सीरियल ये है मोहब्बतें में जैसे जैसे कहानी में ट्विस्ट और टर्न बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ साथ रूही मैडम की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। पर ये तो आपको याद ही होगा कि रूही को कोई कर रहा है ब्लैकमेल, ये बात सामने आ गई थी। लेकिन अब इससे भी बड़ा एक सच सामने आया है। बल वो सच ये होगा कि रूही को ब्लैकमेलर के कत्ल के जिस इल्जाम में फंसाया जा रहा है वो रूही ने किया ही नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो जो रूही के साथ ऐसा कर रहा है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि है रूही का लवर सोहेल। सोहेल ने रूही को पूरी तरह से फंसाने की कर ली है प्लानिंग। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इन दोनों ने कैसे किया था ब्लैकमेलर का खून। आपको ये तो याद ही होगा कि रूही और सोहेल गए थे ब्लैकमेलर को पैसे देने के लिए, लेकिन वहाँ ब्लैकमेलर ने रूही को कुछ बताने की कोशिश की और रूही को लगा कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। बस फिर क्या था, सोहेल ने इस बात का फायदा उठा लिया और फिर गया वो उस ब्लैकमेलर के साथ और उसी लड़ाई में उसने उस ब्लैकमेलर को मार दी गोली। अब इसके बाद तो रूही का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन सोहेल किसी तरह उसे वहाँ से लेकर भाग निकला। अब इसके आगे की कहानी क्या है ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि रूही और सोहेल कैसे पकड़े जाते हैं इस कत्ल के लिए और आखिर वो क्या सच है जो ब्लैकमेलर रूही को बताना चाहता था। कल हो ना हो सच तो यही होगा कि सोहेल है रूही का असली गुनहगार, बट ये कब रूही को पता चलेगा ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। टॉप न्यूज से प्रिया की रिपोर्ट।